कहो नानक बाह लुड़ाई है कि मानवता की सेवा करनी है और जरूरतमंदों की सेवा करनी है। उसी बात को दृढ़ करते हुए सिख कौम ने मानवता की सेवा हमेशा से करती आई है और करती रहेगी। आप देखते हैं, चाहे वो उत्तराखंड की आपदा हो, चाहे कश्मीर की बाढ़ हो, चाहे सीरिया के बम का धमाके हो, सबसे आगे जो खड़े होते हैं वो सिख खड़े होते हैं। पर सिखों के ऊपर हमेशा से जुल्म होते आए हैं और जुल्म हो भी रहे हैं, और इन जुल्मों की बात अगर हम सुनते भी हैं, अगर करते भी हैं, तो हमारी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि जुल्म भी ऐसे ऐसे हुए हैं। माताओं के सामने बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, एक पिता के मुंह में उसके 4 साल के बच्चे का कलेजा काट करके दे दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ बाबा बंदा सिंह बहादुर का। पर फिर भी इस सिख कौम ने जरूरतमंदों की सेवा और मानवता की भलाई का काम जो है वो छोड़ा नहीं है। भावें कितने भी इसके ऊपर जुल्म हो जाए, पर सिख कौम कदे भी ये मानवता की भलाई और जो जरूरतमंदों की सेवा है इसको छोड़ेगी नहीं। हमें मिटाना बहुत चाहा पर हम नहीं मिट सके। एक शायर का वचन कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो लिखते हैं, शायर लिखता है, कुछ तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। मिटाना बहुत चाहा शुरू से ही, गुरु अर्जन देव महाराज जी के टाइम से भी पहले से बहुत मिटाना चाहा लोगों ने। कुछ तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, क्यों? फिर आगे लिखते हैं, सदियों से रहा है दुश्मन जमाना हमारा। दुश्मन तो हमारे बहुत हैं, पर आज सभी समाज के लोगों ने, सभी धर्म गुरुओं ने इकट्ठा होकर के यह बात साबित कर दी है कि जुल्म के खिलाफ हम सारे एकजुट हैं। भाई जुल्म जो है वो सिखों के ऊपर हो, हिंदुओं के ऊपर हो, मुसलमानों के ऊपर हो, ईसाइयों के ऊपर हो, पर इस जुल्म में हम सब एक साथ हैं। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा।